पीड़ित वंचित समाज को आपके चाहने वाले जो करोड़ों लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति में और भी मार्ग में? देखिए, मेरा एक ही संदेश है सब लोगों को, उन लोगों को भी संदेश है जो लोग चंद्रशेखर के खिलाफ बैठे हुए हैं और अंदरूनी रूप से, क्योंकि मेरा विरोध करना तो आसान लेकिन मेरा विरोधी बना रहना तो बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो मैं उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों को भी और जो लोग विरोधी उन्हें भी, मैं चाहता हूँ संविधान को इस देश में स्थापित किया जाए, क्योंकि संविधान जो दे रहा है जी, मैं उसी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान हमें सुरक्षा का अधिकार देता है ना जी, तो मैं सुरक्षा ही तो मांग रहा हूँ जी। संविधान हमें समानता का अधिकार देता है ना, तो मैं समानता ही तो मांग रहा हूँ जी। संविधान हमें रोजगार का अधिकार देता है, तो मैं रोजगार ही तो मांग रहा हूँ जी। तो जो संविधान दे रहा है, संविधान नारी के सम्मान की बात करता है, संविधान अपने धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन देश की सरकार नहीं कर रही है ना, तो मैं संविधान को स्थापित करने की बात कर रहा हूँ। क्यों संविधान स्थापित नहीं, सिर्फ कागज में रह गया है संविधान, बाबा साहब ने जो दिया है देश को जीने का जो रास्ता दिखाया उससे नहीं चल रहा है जी। अब ये जो मौजूदा सरकार है, सब लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा का विरोध कर रहे हैं, तो इनकी जो नीति है मैं उसका विरोध कर रहा हूँ जी जी जी। वो नीति नागपुर से चल रही है जी, और नागपुर की नीति देश में लागू नहीं होगी और ना जब तक चंद्रशेखर होने दिया ही नहीं जाएगा जी जी जी। हम बिल्कुल स्पष्ट करते, देश संविधान से चलेगा और संविधान से चलेगा। तो मैं लोगों से, अपने युवाओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सोशल मीडिया हमारे लिए अवतार है जी, इससे हमें बड़े फायदे होते हैं, हमारी बात बहुत दूर तक चली जाती है और लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन इसका गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरे लोग सोची साजिश साजिश की तरह हमें भड़का रहे हैं फर्जी आईडी डाल को करके जी जी जी। और वो चाहते हैं कि हम कोई कमेंट या उस पर कोई पोस्ट करें कि जिससे कि लोग भड़क जाएं और उनको मौका मिले उनके खिलाफ FIR करके उन्हें जेल भेजने का जी जी। तो क्योंकि मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, उससे पहले जो हो रहा था वो ठीक था, लेकिन अब मैं बाहर हूँ, मेरे होते हुए अगर हमारे लोग जीत जाते तो इसका मतलब मेरा नेतृत्व कमजोर है जी। तो मेरा पूरा प्रयास है, अपने युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि इनकी बातों में मत आए, क्योंकि हम हमारे वोट बहुत है, हमारे लोग बहुत, लेकिन जेलों में सड़ रहे हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे उन्हें जेल से निकालने का जी। हम प्रयास करेंगे झूठे मुकदमे पे वकील खड़े करके, सरकारी अपने वकील खड़े करके समाज के, उनको बरी कराने का, और ऐसे जो साजिश जो लोग कर रहे हैं उनसे बचाने के लिए मैं लोगों से कहना चाहता हूँ युवा साथियों से कि सोशल मीडिया का प्रयोग सही करें, क्योंकि अगर शक्ति का प्रयोग सही दिशा में होगा तो फायदा होगा, और शक्ति का प्रयोग दूसरी गलत दिशा में होगा तो नुकसान हो जाएगा। तो अपनी एकता को बना के रखें, लोगों पे भरोसा ना करें, लोग गुमराह करेंगे। इनकी बातों का जवाब वोट से देना जब समय आएगा जी, इनकी बातों का जवाब अपनी एकता से देना, इनकी बातों का जवाब व्यवस्था में नौकरियों में आके देना। तो जो लोग इस तरह के लोग हैं उनसे बचने का काम हम लोग जो है युवा साथी हमारे करेंगे, ये अपने उनके भाई का निवेदन है उन सब लोगों से।